और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी को एक बार फिर से हानि पहुंचाने के प्लान बना रही है। क्योंकि जहां पर मलिष्का अपने नए नए प्लान तो बनाती ही है, लेकिन दोस्तों इस बार जो लक्ष्मी के साथ में हरकत करने जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन अपने पति के लिए रखती हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर कहानी में एक नया ट्विस्ट अलग प्रकार से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो कि ऋषि की बहन और साथ में मलिष्का दोनों ये प्लान कर रही हैं कि किसी भी तरीका से लक्ष्मी को जितना हो सके इतना चोट पहुँचाया जाए, लेकिन दोस्तों बाद में जब ऋषि को पता चलेगा कि वाकई में लक्ष्मी के साथ में ये किसने किया है, उसके बाद में इन लोगों की खैर नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार ऋषि का ये मानना है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और इसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। और इन सब के पीछे का जो कारण है वो मलिष्का ही है। क्योंकि मलिष्का की मोम ने बोला है कि अगर तूने ये व्रत तोड़वा दिया तो वाकई में इसमें सबसे बड़ी जीत तेरी होगी। और मलिष्का उसी चीज़ पर चल रही है। मलिष्का को लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि वो भूल चुकी है कि अभी ऋषि लक्ष्मी के लिए बैठा है। साथ ही दोस्तों अब बलविंदर भी एक्सपोज होने जा रहा है, क्योंकि बलविंदर जहाँ पर छुपा बैठा है वो किसी और की जगह नहीं है, बल्कि ये जो जगह है ये खुद मलिष्का की जगह है। और मलिष्का के ही घर से बलविंदर को बरामद किया जाएगा, जिसके बाद में सब बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर कैसे कैसे बलविंदर आया। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बलविंदर लगातार अपनी चालाकियों से सभी को हैरान कर रहा था, लेकिन दोस्तों अब बलविंदर और मलिष्का दोनों एक ही साथ एक ही जेल में चक्की पीसते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।